हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में कॉमिक बोर मॉडल पढ़ा था हमने ठीक है आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सब का एक्सप्रेशन और इनका फार्मूला एक फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो अभी हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ठीक है सबसे पहले किसकी बात करते हैं रेडियस की बात कर रहे हैं ठीक है तो हम रेडियस की जब बात करते हैं तो रेडियस को आर से हमने डिनोट कर दिया ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने एक पढ़ा था एन एच अपॉन टू पाई इज इक्वल टू होता है आपका एम वी आर क्वान्टाइजेशन कंडीशन ठीक है और दूसरा एक निकाला था हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर ठीक है ये दो फॉर्मूले हैं ठीक है देखिए ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है और ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ठीक है अब देखिए इसमें हमें आर का टर्म निकालना है यहां पे वी स्क्वायर है यहां वी है ठीक है अब हमें इस वी को मैनिपुलेट uh, करना है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दो, दोनों साइड जब हम इक्वेशन नंबर वन को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर और इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे कि थर्ड इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन ठीक है इन दोनों को डिवाइड करना है तो सबसे पहले दिव एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ये जेड ई ए स्क्वाइल नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है आपका एम एम स्क्वायर वी ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा ठीक है यहाँ से देखिए ये फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा ठीक है एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा आर जाके स्क्वायर हो जाएगा वी से वी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये नीचे वाला पूरा का पूरा ऊपर जाएगा एपसाइल नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचेगा ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका <laughs> E ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक एम बचा रहेगा क्योंकि एक e हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एम आर क्यू ठीक है अब देखिए से खत्म एक आर बचा रहेगा तो आर यानी रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एपसाइल नॉट डिड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर ठीक है ये नहीं है लेकिन ये आपका जेई मेंस और नीट वगैरह में डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन पूछ देता है ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है इसका डेरिवेशन पूछ देता है तो हम अभी से सब सीखते हुए जा रहे हैं ठीक है तो आर का जो एक्सप्रेशन आया अपने पास वो क्या आया है कि आर इज इक्वल टू ठीक है ध्यान देंगे तो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्साइल नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एच है वो कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट है साइलनोट कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और ई e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर एन यानी एन ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट एच स्क्वायर एफ नॉट इन पाई एम ई स्क्वायर इन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन स्क्वायर अपॉन क्या आएगा जेड ठीक है जब इसका वैल्यू रखेंगे तो रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम ठीक है एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व सॉल्व करें यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फाइंड रेडियस ऑफ फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है आर एन इज इक्वल टू क्या अपॉन वन एंगस्ट्रम ठीक है तो यह जीरो पॉइंट फाइव थ्री एंगेस्ट्रम हो जाएगा ठीक है आर यानी आर का दे रहा था आर की जब बात करते हैं सेकंड शेल की तो जीरो पॉइंट फाइव थ्री एन स्क्वायर यानी एन स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर

तो ये तो नहीं है ठीक है यहाँ पे जब बिरिलियम की बात करते हैं जीरो पॉइंट फाइव थ्री हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बिरिलियम बिरिलियम का कितना होता है ये सेकंड शेल है और एटॉमिक नंबर फोर होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री इंगस्टम इधर ये चेक कर लें जीरो पॉइंट फाइव थ्री एन कितना है टू का स्क्वायर है और हाइड्रोजन हीलियम यहाँ का टू ही होगा ठीक है ये भी नहीं हो पाएगा ठीक है इसका भी देखे जीरो पॉइंट फाइव थ्री और एन कितना आपका थ्री का स्क्वायर और हाइड्रोजन हीलियम तो ये ये भी नहीं हो पाएगा तो जो सेम एज फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो बिरलियम सेकेंड सेल का है ठीक है ये जो बोर मॉडल है जैसे रेडियस वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो भी एक्सप्रेशन दिए थे ठीक है ये बस ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि जैसे कि हाइड्रोजन के वैलेंसी कितनी है तो वन है ठीक है तो जैसे बिरलियम की हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम पे वैलिड नहीं होता इसमें इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है एक निकालने के बाद एच पे ये वैलिड होता है लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम <coughs> हाइड्रोजन हीलियम लीथियम प्लस दो प्लस पे बात होता है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन बचा होना चाहिए वैलेंसी ठीक है तो तब यह वैलिड होता है ठीक है अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की ठीक है वेलोसिटी की टर्म हमें पता है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई ठीक है अभी अभी हमने रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया वो क्या था यहाँ पे आर के जगह लिख देंगे एन एच स्क्र एच एक्वाइल नॉट डिड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई और यहाँ से वी का वैल्यू निकाल लेंगे ये क्या होगा जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एच एफ साइल नॉट और इन टू ठीक है और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम कि जेड और एन को जो वेरिएबल है उसको बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा ये जो कॉन्स्टेंट है वो अंदर रह गया ठीक है तो ये जो जब वैल्यू रखते हैं इनका तो ये वैल्यू आता है टू पॉइंट टेन रेस टू सिक्स जेड बाई एन मीटर पर अब ये जेड जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है एन जो है वो आपका क्या है शेल नंबर है ठीक है थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे